हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुजाता, सुजाता's किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ चिकन की रेसिपी। आज हम बनाएंगे कढ़ाई चिकन। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हमने लिया है आधा किलो चिकन, जिसके छोटे छोटे पीसेस हमने कर लिए हैं। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच नमक, स्वाद के अनुसार आधा चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर। हम इसे मैरिनेशन के लिए रेडी कर रहे हैं। आधा चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट, आप ग्रेट करके भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अब इसे कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। हमने अच्छे से चिकन में मिला लिया है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब चलते हैं गैस की तरफ। हमने गैस को कढ़ाई में रख लिया है और आयरन की कढ़ाई में हम चिकन आज बनाएंगे। और हमने ऐड किया है यहाँ पे सरसों का तेल। सरसों के तेल में आप बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ऑयल हो चुका है गर्म, धुआं आने लगा है। जब सरसों के तेल में धुआं आने लगा जाए, गरम हो जाए, तो हम इसमें ऐड करेंगे खड़े मसाले। खड़े मसालों में देखिए हमने लिया है तेजपत्ता, जीरा, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची। ये हमने खड़े मसाले लिए हैं, इनको हम ऐड कर लेंगे। खड़ा मसाला हमारा भून गया है। अब हम ऐड करेंगे प्याज। मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज की प्याज लिए थे, जिन्हें हम फाइन चॉप कर लिया है। इन्हें ऐड कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को बढ़ा लेते हैं और कलर चेंज होने तक प्याज को अच्छे से भून लेते हैं। प्याज का कलर हल्का चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। आप अदरक कूट कर भी यूज कर सकते हैं या फिर कोई भी आप पेस्ट ले सकते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 1 मिनट हम इसे भी पकने देंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, जिन्हें फाइन चॉप कर लिया है। ऐड कर लेते हैं और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 सेकेंड के लिए हमने प्याज को भी टमाटर में अच्छे से कर लिया मिक्स। अब हम मसाले ऐड कर लेते हैं। मसालों में हम लेंगे, पहले भी हमने थोड़ा मसाले डाले हैं, तो अब हम थोड़ा डालेंगे। आधा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और नमक। सारे मसाले स्वाद के अनुसार ऐड करिएगा। सभी मसालों को मिक्स कर लेते हैं और भून लेते हैं 5 सेकंड के लिए। 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चिकन मसाला ऐड कर लेते हैं, 2 से 3 चम्मच मिक्स कर लेंगे। मसाला भून जाने के बाद ऐड करेंगे पानी, जिससे हमारा मसाला अच्छी तरह पक जाए। थोड़ा सा ले लिया है हमने पानी। अब हम 2 मिनट के लिए मसालों को पकने के लिए छोड़ देते हैं। मसालों ने तेल छोड़ दिया है, मसाला हमारा पक चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसालों को बैलेंस करने के लिए। हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच दही, जो कि ऑप्शनल है, आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमने गैस की फ्लेम को बढ़ा लिया है। अब डाल देते हैं इसमें हम चिकन। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे मिक्स, तो हम इसे 5 मिनट इसी तरीके से पकने के लिए छोड़ देंगे।
ताकि जो मसाला है चिकन के पीसेस में अच्छे से समा जाए। देखिए चिकन पानी छोड़ने लगा है और ये वाइट वाइट सा भी होने लगा है। अब कर लेते हैं इसे मिक्स ताकि हमारे मसाले तले पर लगे ना। मसाला ऑयल छोड़ने लगा है, अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं पानी। हमने इसमें ऐड कर लिया है पानी, पानी कम या ज़्यादा जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उसके अनुसार आप पानी ऐड करिएगा। हमने इतना पानी इसमें ऐड करा है जिसमें चिकन आधे डुबोए हैं। तो अभी हम गैस को फ्लेम को फुल करते हैं और इसे पकने देते हैं। इसे कवर कर लेते हैं। अब 10 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। कढ़ाई चिकन हमारा बनके हो चुका है तैयार। गैस को कर लेते हैं बंद। ऐड करते हैं हरा धनिया। ये देखिए बहुत ही देखने में इतना लजीज, मुंह में पानी आने वाला हमारा कढ़ाई चिकन बनके तैयार हुआ है। आई डोंट नो कि कैमरे पे इतना अच्छा दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा, पर देखकर तो मज़ा आ जा रहा है कढ़ाई चिकन को। तो चलिए हम इसकी कर लेते हैं पहले प्लेटिंग। हमने चिकन की प्लेटिंग कर ली है। देखने में बहुत ही स्वादिष्ट ये चिकन हमारा बना हुआ है। रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कढ़ाई चिकन की ये सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे न्यू रेसिपी के साथ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। सुजाता'स किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।